बहुत खूब। ए मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी। अभी आपने देखा ये बांसुरी पर भाई साहब धुन बजा रहे थे। भाई साहब आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम इकरार मियाँ है और मैं पीलीभीत यूपी से आया हूँ। वहाँ पर मैं बांसुरी का कार्य करता हूँ और पुश्तैनी काम है मेरा, चौथी पीढ़ी काम कर रही है। हमारी चौथी पीढ़ी, इनकी चौथी पीढ़ी काम कर रही है, तो ये स्टेट लेवल को देते हैं। आप जिस यहाँ पर आए, आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा, ये किस तरह से आए यहाँ पे? ये मेरे पास हुनर हाट का फोन पहुंचा था और उसके तहत मैंने वहाँ फार्म भरा। फार्म भर के मैंने यहाँ पर भेजा और उसमें मेरा सिलेक्ट कर लिया गया मैं, और मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मुझे बहुत खुशी है और मेरे यहाँ मंत्री जी भी आए, पीयूष गोयल साहब, रेल मंत्री, और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है इसको, बांसुरी को, और मुझे उम्मीद है आगे भी बढ़ावा मिलेगा मुझे। जैसे पीलीभीत में अक्सर हमने देखा है पुश्तैनी काम आप बता रहे हैं, तो ये जो आप स्टेट लेवल पर सेंट लगाते हैं, तो यहाँ जो आए कुछ पैसे दिए हैं आपने, या और जो रह रहे हैं तो रहने की अवस्था क्या है आपकी? नहीं, पैसा तो हमने कोई नहीं दिया। हमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्टॉल मिला है और फैसिलिटी मिली है, और रहने का हमारा यहीं पर है, स्टॉल के अंदर ही रहते हैं हम, और बाकी तो कुछ नहीं। सब ठीक है, अच्छा है, बहुत बढ़िया लगा। हम आपको ये बताते चले हैं कि साथ साथ के हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद के तहत बांसुरी को जो है योगी आदित्यनाथ ने जो है उसको लिया है, और पीलीभीत में इससे पहले जो है वहाँ पर करीब 1800 परिवार काम करते थे। आज संख्या घट के 300 हो गई परिवारों की, लेकिन मज़े की बात यह है कि इसमें बनाने वाले सारे मुस्लिम्स लोग हैं और बजाने वाले सभी हिंदू। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए बात है कि मुसलमान बनाते हैं और हिंदू बजाते हैं। तो ये थे इकरार में जो पीलीभीत से आए हैं, और पीलीभीत हमेशा बांसुरी के काम के लिए बहुत मशहूर है। कितनी अच्छी बात है कि इस बांसुरी को मुसलमान बनाने वाले हैं और हिंदू बजाते हैं। वो मंदिर में भी बजाते हैं, बाहर भी बजाते हैं, हर जगह। यानी हिंदू मुस्लिम की मिसाल इससे अच्छी कहीं मिल नहीं सकती।